हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में परसेप्ट्रॉन ट्रिक के बारे में पढ़ा। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम उस ट्रिक को, उस एल्गोरिदम को एक कोड में कन्वर्ट करेंगे एंड विल सी कि कैसे काम करता है वो ट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कोड मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि कोड थोड़ा बड़ा है और टाइप करने में टाइम चला जाएगा। सो आई जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया है, ठीक है। सो जैसे मेक रिग्रेशन होता है साइकिटलर्न में, वैसे ही मेक क्लासिफिकेशन होता है जिसको यूज करके आप क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स बना सकते हो, ठीक है। सो ये डेटा सेट मैंने बनाया और मैंने उसको प्लॉट किया। सो प्लॉट करने के बाद दिस इज द डेटा सेट। सो इस डेटा सेट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट्स अ टू डायमेंशनल डेटा सेट, मतलब इनपुट में देर आर टू कॉलम्स, एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है, और जो टारगेट कॉलम है वो वन या जीरो है, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और जितना भी वन है उसको मैंने ग्रीन से इनकोड किया है और जितना भी जीरो है उसको मैंने ब्लू से इनकोड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आउटपुट कॉलम है वो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ मैंने यहां पर ये एक फंक्शन बनाया परसेप्ट्रॉन बोल के, जिसको अगर आप डेटा पास करोगे अपना एक्स और वाई, तो ये आपको पलट करके आपका वेट्स और आपका इंटरसेप्ट आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका लॉजिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे जो एक्स मिला मैंने उस एक्स के आगे वन लगा दिया। सो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं इस पॉइंट पे ये कोड चलाने के बाद कि आपका एक्स इज समथिंग लाइक दिस, एक्स इज समथिंग लाइक दिस। सो ये फर्स्ट इनपुट कॉलम है, ये सेकेंड इनपुट कॉलम है, और ये जो वाई है ये एक आउटपुट कॉलम है जिसमें वन और जीरो की वैल्यूज है, ठीक है। मैंने ये कोड चलाया। सबसे पहले ये कोड चलाने से क्या हुआ कि जो मेरा एक्स था जो कि अभी ऐसा दिख रहा था वो अब ऐसा दिखने लग गया। हर रो के आगे एक वन लगा दिया, ये बायस टर्म के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अगर आपने थ्योरी सही से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई विल गो डाउन। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने वेट्स बोल करके एक एरे क्रिएट किया जिसका जो शेप है वो एक्स के कॉलम के बराबर है। मतलब जब आपने अभी आपका एक्स का कॉलम कितना था, टू, जब आपने इनपुट दिया, फिर आपने जैसे ही वन इंसर्ट किया एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, तो अब एक्स का शेप कितना हो गया, थ्री। तो अब अगर आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाऊं तो इट वुड लुक लाइक दिस। यहां पर x डॉट शेप के बदले अगर मैं 3 डाल दूं तो मैंने बेसिकली एक वेट्स एरे क्रिएट किया जिसमें तीनों आइटम्स शुरू में 1 है, ठीक है। तो इसमें पहला जो आइटम है ये इंटरसेप्ट वाला टर्म है, एज इन w नॉट है, ये w1 है और ये w2 है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक लर्निंग रेट इनिशियलाइज किया 0.1 से, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने लूप चलाया 1000 टाइम्स, हमारा epoch, ठीक है। हर बार लूप के अंदर मैंने एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट किया 0 से लेके 100 के बीच में। बाय द वे मेरे एक्स का शेप अगर आप देखो तो इट इज 100,2, 100 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। सो मैंने वही किया, मैंने हर बार लूप के अंदर एक रैंडम इंटीजर सेलेक्ट किया बिटवीन 0 एंड 100, लाइक दिस, और जो भी ये नंबर आ रहा है उसको मैं डे में स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इट्स बेसिकली कि हमने, मतलब ये जे का वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये जे का वैल्यू ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम उन 100 स्टूडेंट्स में कौन से स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं। अगर 41 आया तो हम 41st स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वाई हैट प्रिडिक्ट किया, मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, 41st स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ये मुझे प्रिडिक्ट करना था, ठीक है। सो मैंने कैसे किया ये काम, मैंने निकाला एनपी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक्स में मैंने 41st एलिमेंट को निकाला और वेट्स जो मेरा एरे है वो है 1,1,1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स 41 में एक्चुअली इस पॉइंट पे सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं, मतलब सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं एक्स 41 में। इसमें आगे 1 अगर हमें लगाना होगा तो हमें ये कोड लिखना पड़ेगा अलग से, एनपी डॉट
इंसर्ट एक्स 41 कॉमा 0 पे 1 कॉमा एक्सिस इक्वल्स 1, एक्सिस है ही नहीं क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन है. या सो बेसिकली रादर देन एक्स 41 अगर मैं ये चीज डालूं तो अब क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और ये मुझे आंसर मिल रहा है 0.29. सो जो मेरा 41st स्टूडेंट है उसके लिए जब मैं ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, अब मुझे पता करना है इसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा. अब आपको अगर लॉजिक पता होगा तो हमारा लॉजिक क्या था, अगर ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो प्लेसमेंट होगा और लेस देन अगर जीरो है तो प्लेसमेंट नहीं होगा. तो मैंने एक स्टेप फंक्शन बना लिया. स्टेप फंक्शन को आप एक नंबर देते हो इनपुट में, वो 1 रिटर्न करता है अगर वो नंबर 0 से ज्यादा है, अदरवाइज 0 रिटर्न करता है. तो अगर मैं इस सेल को एक बार चला लूं तो अगर मैं लिखूं स्टेप 0.294 तो 1 आ रहा है. ठीक है, और यही अगर मैं माइनस दूं तो 0 आ रहा है. सो हुआ क्या कि ये मैं 41st स्टूडेंट था, हमने उसका प्रिडिक्शन किया कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा. ठीक है, फिर हमने वेट्स अपडेट करने का कोड लिखा. वेट्स अपडेट करने का कोड क्या था, वेट्स इज इक्वल टू वेट्स प्लस लर्निंग रेट टाइम्स वाई जे. हमने एक्चुअल डेटा में 41st स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ. तो यहां पे इस टर्म के बदले 0 आ गया, यहां पे वाई हैट के बदले 1 आ गया. सो ये पूरा टर्म -1 हो गया और फिर आपने एक्स जे से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया. सो बेसिकली जो लॉजिक हमने वहां पे लिखा था सेम टू सेम वो लॉजिक यहां पे लगा दिया और ऐसा हमने 1000 टाइम्स किया. और 1000 टाइम्स करने के बाद मैंने वेट्स का 0 एज इन इंटरसेप्ट वाला टर्म रिटर्न किया और आगे का सारा टर्म एज इन कोफिशिएंट्स रिटर्न किए. एंड दैट्स माय कोड, बस यही मेरा लॉजिक है. ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं और यहां पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एक्स और वाई पास किया, उसने मुझे पलट के इंटरसेप्ट वैल्यू दिया और कोफिशिएंट वैल्यू दिया और ये रही वो इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट वैल्यूज. सो ये मेरा W1 है, ये मेरा W2 है और ये मेरा W0 है. ठीक है, ये मेरा इंटरसेप्ट है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे प्लॉट करके आपको दिखाना था तो मैंने इनसे M और B निकाल लिया. M और B कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल है, लेट मी शो यू. सो M और B निकालना बहुत सिंपल है. अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का ए बी और सी वैल्यू है तो आप इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में बहुत इजीली ला सकते हो, जहां पे m का वैल्यू होगा माइनस ए बाय बी और c का वैल्यू होगा माइनस सी बाय बी. ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने यही किया. m निकालने के लिए a क्या है, a इज योर फर्स्ट कोफिशियंट, मतलब कोफिशियंट के अंदर देर आर टू टर्म्स, तो a क्या है फर्स्ट वाला टर्म और बी क्या है सेकेंड वाला टर्म, और इंटरसेप्ट के अंदर एक सिंगल टर्म है तो सी क्या है ये वाला टर्म और बी क्या है फिर से सेकेंड वाला टर्म. तो मैंने एग्जैक्टली यही काम यहां पे किया, मैंने निकाल लिया कोफिशियंट का 0 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट का 1 और बी के लिए भी मैंने सेम काम किया, इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय कोफिशियंट का 1. और एम और बी मिलने के बाद मैंने उस लाइन को प्लॉट किया और ये देखो गाइस ये रहा वो लाइन. सो ये मेरा डेटा था और ये रहा वो लाइन जो हमने अभी बनाया यूजिंग परसेप्ट्रॉन ट्रिक. ठीक है, अब मैंने एक और काम किया, मैंने एनिमेशन ड्रॉ किया इस सेम चीज का. सो दिस इज द एनिमेशन. ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं. देखो अभी पहला ईपॉक, देखो कई कई ईपॉक्स में आपका लाइन मूव नहीं करेगा. क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि उस ईपॉक में जो पॉइंट सेलेक्ट हुआ है वो पॉइंट अग्री कर रहा है लाइन से, वो बोल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज व्हाई लाइन मूव नहीं कर रही. देखो अभी लाइन मूव नहीं कर रही है, बट जैसे ही उसको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो मिसक्लासिफाइड है वो उसको अपनी तरफ बुलाएगा और फिर लाइन मूव करेगी. सो यहाँ पे मैंने बस 200 ईपॉक ही लिया है, 1000 ईपॉक नहीं लिया, 200 में मेरा काम हो गया. बट इट डिपेंड्स, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है. सो यू कैन सी कभी कभी बीच में मूव नहीं कर रही है लाइन, क्योंकि अभी जो भी पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो सही से क्लासिफाइड है, तो वो लाइन को मूव करने को नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, बट कभी कभी ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो उसको मूव करने को बोल रहा है. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स. आप एक रैंडम लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, अगर वो पॉइंट मिसक्लासिफाइड है तो वो उस लाइन को चेंज कर रही है, अगर वो पॉइंट सही से क्लासिफाइड है तो उस लाइन को चेंज नहीं कर रही है. एंड दैट इज वाई कुछ ईपॉक्स में आपका लाइन
बिल्कुल वैसे का वैसा ही बैठा हुआ है, ठीक है। यू कैन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एनिमेशन है ये नोटबुक में आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप इस एनिमेशन को बैठ करके तसल्ली से थोड़ा देख लेना, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में जो आपने पढ़ा वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, मतलब सोच के देखो, आपको जो लाइन मिल रहा है वो सही से तो क्लासिफाई कर रहा है, सोच के देखो आपका ये जो लाइन है ये सही से तो क्लासिफाई कर रहा है, इसके सारे ग्रीन पॉइंट्स लाइन के एक तरफ हैं और सारे ब्लू पॉइंट्स लाइन की दूसरी तरफ हैं। एट द एंड हमें यही तो करना था, हमें क्लासिफिकेशन ऐसे ही तो परफॉर्म करना था, बट मैंने आपको बोला कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। परसेप्ट्रॉन ट्रिक एक सिंपल तरीका है ये काम करने का, बट एक्चुअल साइकिट लर्न के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है, थोड़ा सा और एडवांस्ड और थोड़ा सा और अच्छा है। अच्छा है मतलब इस अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, अभी हम वही डिस्कस करेंगे कि परसेप्ट्रॉन ट्रिक ऑल दो काम करता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या गड़बड़ है। सो मैंने क्या प्लान किया कि मैंने एक्चुअल साइकिट लर्न वाले क्लास को इंप्लीमेंट किया, एक्चुअल क्लास को बुलाया और अपना डेटा फिट कराया, और उससे जो मुझे एम और बी मिला उसको मैंने प्लॉट किया, और उसको मैंने जैसे ही प्लॉट किया, ये देखो गाइस, रेड वाला लाइन हमारा परसेप्ट्रॉन ट्रिक से आया और ब्लैक वाला लाइन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो ऑफिशियल साइकिट लर्न का लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उससे आया। दोनों लाइंस में डिफरेंस है, इसका मतलब कुछ तो अलग कर रहा है साइकिट लर्न वाला लाइन, बट क्या वो हमसे अच्छा है इस पॉइंट पे हम प्रूव नहीं कर सकते, बट मैं एक चीज दिखा सकता हूं आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि साइकिट लर्न वाली चीज हमारे परसेप्ट्रॉन ट्रिक से बेटर है। कैसे, लेट मी शो यू। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा में एक चेंज कर रहा हूं। सो यहां पर अगर आप देखो तो एक पैरामीटर होता है क्लास इक्वल टू 10, क्लास सेप इक्वल टू 10, दोनों क्लासेस के बीच में मार्जिन कितना होगा ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो अभी मैंने 10 रखा है, मैं उसको 20 कर रहा हूं, और देखना 20 करते ही क्या होगा, ये क्लास थोड़े और दूर चले गए, सी डिफरेंस आ गया, क्लासेस दूर हो गए, ठीक है। अब नीचे आता हूं मैं और सारा प्रोसेस रिपीट करता हूं, मैंने फिर से परसेप्ट्रॉन वाला कोड रन किया, फिर से स्टेप फंक्शन रन किया, फिर से अपने एल्गोरिदम को रन किया, फिर से नया रिजल्ट आया, फिर से एम और बी कैलकुलेट किया, फिर से एक्स इनपुट वाई इनपुट कैलकुलेट करके मैंने अपना ग्राफ प्लॉट किया, और ये देखो गाइस, दिस इज माई ग्राफ, यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूं और सेम काम रिपीट करूंगा मैं विथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन नए डेटा सेट के ऊपर, और ये देखो गाइस, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। हमारा परसेप्ट्रॉन रूल का लॉजिक क्या था कि जैसे ही सारे पॉइंट्स सही से क्लासिफाई हो जाएंगे हमारा परसेप्ट्रॉन रूल वहीं पे रुक जाएगा। अब बिकॉज ऑफ दैट, जैसे ही उसने सारे लाइन सारे पॉइंट्स को सही से क्लासिफाई किया वो यहीं पे रुक गया, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला क्लास वहीं पे नहीं रुका, उसने और इंप्रूव किया अपने आप को और वो वहां जाके रुका जहां पे एक्चुअली उसको रुकना चाहिए था। अगर आप इस डेटा को देखो और अगर आपसे कोई पूछे कि ये दो मॉडल्स हैं, रेड वाला मॉडल और ब्लैक वाला मॉडल, कौन सा मॉडल बेटर है, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप खुद बोलोगे कि ब्लैक वाला मॉडल बेटर है क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकली डेटा को काट रहा है, मतलब दोनों साइड में इक्वल मार्जिन है, तो जब नया टेस्ट डेटा आएगा तो उसपे इस ब्लैक लाइन का एरर कम होगा। ग्रीन वाला लाइन क्या है, सॉरी रेड वाला लाइन का क्या प्रॉब्लम है कि वो ग्रीन वाले पॉइंट्स के बहुत पास में है। अगर मैं आपको ये पॉइंट और अच्छे से दिखा पाऊं तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट टू शो यू, क्लास सेपरेशन को और बढ़ाते हैं, 30 करते हैं, लेट्स सी कैसा दिखाई देता है, पता नहीं और ज्यादा बढ़ गया है, लेट्स सी देखते हैं। फिर से मैंने सब कुछ को रन किया, सब कुछ को फिर से रन किया एज इट इज, और अभी भी देखो ये ग्रीन के जस्ट पास आके रुक गया है। और अब जाते हैं टुवर्ड्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड यू कैन सी दोनों मॉडल्स में अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला जो मॉडल है वो आपके डेटा को बहुत सिमेट्रिकली काट रहा है, मतलब बराबर मार्जिन दे रहा है दोनों साइड, एक गैप है, ठीक है। वेयर एज आपका जो रेड वाला है वो बस मतलब काम चला रहा है, मतलब जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहा ये सोचने में कि कैन आई इंप्रूव,
वो और इम्प्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा लॉजिक बस इस चीज पे बेस्ड है कि आपको तभी तक काम करना है जब तक देर आर मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स। जैसे ही मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स खत्म, आपका एल्गोरिदम रुक जाएगा, एंड दैट इज वाई रेड वाला एल्गोरिदम वहीं पे जाके रुक गया। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला एल्गोरिदम एकदम मेक श्योर कर रहा है कि आप बेस्ट मॉडल अचीव कर पाओ, ठीक है? तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम परसेप्ट्रॉन में। परसेप्ट्रॉन ट्रिक लगाने का मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको बेस्ट लाइन नहीं मिलता है। मैं एक बार ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूं कि आपका लाइन मॉडल जो भी बोलो आप, वो और अच्छा हो सकता है, बट परसेप्ट्रॉन ट्रिक उस बात का ख्याल नहीं रखेगा। सो अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं और आपके पास ये पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपका परसेप्ट्रॉन ट्रिक ऐसे जाकर के रुक जाए, क्योंकि उसने जैसे ही अवॉइड किए सारे मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स, वो वहीं पे जाके रुक जाएगा। वेयर एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल ट्राई टू फाइंड अ इवन बेटर मॉडल, एंड दैट इज वाई आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली चीज को यूज करते हो। परसेप्ट्रॉन ट्रिक उतना यूजफुल नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है कि ट्रेनिंग डेटा पे भले ही आप अपना एरर मिनिमाइज कर लोगे, बट हो सकता है टेस्ट एरर ज्यादा आ जाए, मतलब जनरलाइजेशन एरर उतना अच्छा नहीं आए और आपका ओवरफिटिंग का चांस हो जाता है। तो दैट इज वाई यू डोंट यूज परसेप्ट्रॉन ट्रिक। क्यों पढ़ा हमने फिर परसेप्ट्रॉन ट्रिक? बिकॉज अगर आपको परसेप्ट्रॉन ट्रिक समझ में आ गया और उसमें क्या प्रॉब्लम है समझ में आ गया, तो फिर आप एक्चुअली सोच सकते हो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और एक बार जब जैसे हम समझ जाएंगे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो हम समझ जाएंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है? सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस नोटबुक को उठा करके थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करो, कहीं पे डॉक्यूमेंट करो उसको कि मैंने ये सीखा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एक्चुअल अप्रोच है वो पढ़ना, ठीक है? सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।